नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग मुंबई के दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मुंबई कोस्टल रोड और भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल वर्सोवा विरार सी लिंक। मुंबई भारत का एक प्रमुख शहर है, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई की प्रमुख समस्या है ट्रैफिक समस्या। ये ट्रैफिक समस्या के चलते मुंबई के लोगों के डेली के 80 मिनट लगभग वेस्ट हो जाते हैं। ये ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी जो बन रहा है वो है मुंबई कोस्टल रोड। ये कोस्टल रोड मरीन लाइन से शुरू होकर कांदिवली तक जाता है। ये एक यूनिक एक्सप्रेसवे है, इसमें अंडरसी रोड टनल्स, केबल स्टे ब्रिज भी है, ग्रीन स्पेसेस, प्रोमिनेट्स और बस रैपिड ट्रांजिट प्रोवाइड किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज का मैप, जो लगभग 9.98 किलोमीटर का है। ये मरीन ड्राइव से वर्ली बांद्रा सी लिंक तक है। इस मैप में आप देख सकते हैं कोस्टल रोड मुंबई एक 35.6 किलोमीटर का फ्री वे प्रपोज किया है, जो साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबअर्ब को कनेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्ट में प्रियदर्शनी पार्क निपेन्सी रोड से वर्ली बांद्रा सी लिंक के वर्ली एंड तक 8.5 किलोमीटर लॉन्ग और 20 मीटर वाइड सी प्रोमिनेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का काम बीएमसी द्वारा किया जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 12,500 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन दो फेज में किया जाएगा। दूसरा फेज बांद्रा से लेके कांदिवली जंक्शन तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट में प्रियदर्शनी पार्क और मरीन ड्राइव के बीच में दो ट्विन टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पहला रहेगा मलबार हिल के नीचे, जो 75 मीटर बिलो रहेगा, और दूसरा गिरगांव चौपाटी के नीचे, जो 25 मीटर बिलो रहेगा। इस कोस्टल रोड के लिए हाजी अली, बीच कैंडी, एमर्सन गार्डन, वर्ली और बांद्रा में इंटरचेंजेस दिए जाएंगे। इस कोस्टल रोड के फेज वन के कंस्ट्रक्शन के लिए चार पैकेज बनाए गए हैं। इसमें से पैकेज वन और पैकेज फोर लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जबकि उसका एस्टिमेट है 7,489 करोड़। और दूसरा पैकेज और तीसरा पैकेज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जो कि हुंडई डेवलपमेंट कंपनी के साथ JV है, और इसका कॉस्ट है 2,126 करोड़। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग दिन के 1,30,000 व्हीकल्स इस कोस्टल रोड से ट्रैवल करेंगे। आज के समय में मरीन ड्राइव से कांदिवली जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। ये कोस्टल रोड बनने के बाद में मरीन ड्राइव से कांदिवली जाने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। इसमें समय की काफ़ी बचत होगी। ये कोस्टल रोड 8 लेन का होगा और ये रिक्लेमेशन लैंड पे बन रहा है। कोस्टल रोड का फर्स्ट फेज का काम बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली साइड तक रहेगा। उसके बाद में बांद्रा वर्ली सी लिंक होके ये आगे कनेक्ट होगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक ये एक 8 लेन 5.6 किलोमीटर लॉन्ग केबल स्टे ब्रिज है,
जो बांद्रा को वर्ली से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज आप देख सकते हैं। साल 2009 में इसका ओपनिंग हुआ और ये ब्रिज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC द्वारा बनाया गया है। इस कोस्टल रोड में वर्ली एंड में एक 650 मीटर का ब्रिज बनेगा जो वर्ली बांद्रा सी लिंक को कनेक्ट करेगा। इस कोस्टल रोड को वर्ली शिवडी कनेक्टर के थ्रू मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी जोड़ा जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम अभी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को सी वेव्स, फ्लड और इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए 7.5 किलोमीटर का सी वॉल बनाया जाएगा। इस सी वॉल का कंस्ट्रक्शन इजरायली टेक्नोलॉजी के अनुसार ई कंक्रीट यूज करके किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज बांद्रा से कांदिवली तक रहेगा जो लगभग 19.22 किलोमीटर रहेगा। इसमें बांद्रा वर्सोवा 9.6 किलोमीटर सी लिंक बनेगा। इस ब्रिज के लिए बांद्रा, कार्टर रोड, जू गोयवाड़ा और वर्सोवा चार कनेक्टर्स रहेंगे और ये ब्रिज MSRDC द्वारा बनाया जाएगा। ये ब्रिज सी को से 900 मीटर दूरी पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6994 करोड़ रुपीज है। ये एक केबल स्टे ब्रिज है। इसमें सेंट्रल नेविगेशन स्पैन 150 मीटर का प्लस बैक स्पैन 75 मीटर के दोनों साइड रहेंगे और इसमें 3 बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिजेस रहेंगे जो सेंट्रल नेविगेशन स्पैन 100 मीटर करेगा और बैक स्पैन 75 मीटर के दोनों साइड रहेंगे। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एप्को और वीबीड द्वारा किया जा रहा है। बांद्रा वर्सोवा मेन सीलिंग ब्रिज 9.6 किलोमीटर लेंथ का रहेगा जिसमें 4+4 लेंथ रहेंगे और टोल प्लाजा में 12+12 रहेंगे। इसमें बांद्रा कनेक्टर 1.17 किलोमीटर रहेगा जिसका 2+2 लेन रहेंगे। कार्टर रोड कनेक्टर का 1.8 किलोमीटर लेंथ रहेगा जिसमें 3+3 लेन रहेंगे और झू कोड़ीवाड़ा में कनेक्टर में 2.8 किलोमीटर रहेगा जिसका लेंथ 2+2 रहेगा और वर्सोवा कनेक्टर 1.8 किलोमीटर लेंथ रहेगा और जिसका 3+3 लेन रहेंगे और इसमें नेविगेशन चैनल्स 4 रहेंगे। बांद्रा वर्सोवा सीलिंक बांद्रा वर्ली सीलिंक के बांद्रा एंड से शुरू होकर वर्सोवा के नाना नानी पार्क तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन EPC बेसिस पे मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पे किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल का है और ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ है और ये प्रोजेक्ट लगभग दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। अब हम देखेंगे भारत में बनने वाले सबसे बड़े ब्रिज के बारे में। ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल
बनने वाला है। मुंबई की ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए और ट्रैवलिंग टाइम बचाने के लिए इस ब्रिज का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। और ये ब्रिज कोस्टल रोड के थ्रू नरीमन पॉइंट को विरार से जोड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्सोवा विरार सी लिंक इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में। वर्सोवा विरार सी लिंक 43 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनेगा, जिसमें 4+4 लेन्स रहेंगे। ये वर्सोवा को विरार से कनेक्ट करेगा और ये ब्रिज समुद्री तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर बनेगा। इस ब्रिज का निर्माण MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये ब्रिज सीको से लगभग 1 किलोमीटर दूर से बनेगा। लैंड रिक्लेमेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई कोस्टल रोड समुद्री तट पे बनाया गया है, जैसे कोस्टल एरिया पे बनाया गया है, लैंड रिक्लेम करके बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं, लेकिन वर्षा वगैरह सीलिंग मैनग्रोव्स को बचाने के लिए, कोस्टल इकोसिस्टम को सेव करने के लिए समुद्री तट से लगभग 1 किलोमीटर अंदर पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 4 कनेक्टर्स दिए गए, चारकोप, उत्तान, वसई और विरार। ये वर्सोवा विरार सीलिंग 8 लेन का रहेगा, जो बांद्रा वर्सोवा सीलिंग को कनेक्ट करेगा। इस सीलिंग से डेली लगभग 60,000 गाड़ियां ट्रैवल करेंगी। ये सीलिंग साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई का ट्रैवलिंग का डिस्टेंस कम करेंगी। वर्सोवा विरार सीलिंग को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 63,426 करोड़ रुपीज़ है। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में वर्सोवा से विरार तक की दूरी 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट का फंडिंग जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका द्वारा किया जाएगा। वर्सोवा विरार सी लिंक बनने के वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का और इंटीरियर रोड्स का ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी दूर हो जाएगा। वर्सोवा विरार सीलिंग होने की वजह से नरीमन पॉइंट से विरार जाने के लिए जो समय लगता था, उसमें काफ़ी बचत होगी। आज के डेट में नरीमन पॉइंट से विरार जाने के लिए लगभग 3 घंटे लगते हैं। वर्सोवा विरार सीलिंग प्रोजेक्ट बनने के बाद में नरीमन पॉइंट से विरार जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। वर्सोवा विरार सीलिंग का कंस्ट्रक्शन 2 फेज में होगा। पहला फेज वर्सोवा से वसई तक रहेगा, दूसरा फेज वसई से विरार तक रहेगा। अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, उस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इस लिंक के थ्रू और कोस्टल रोड होके नरीमन पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक और वर्सोवा विरार सी लिंक, ये कंप्लीट होने के बाद में मुंबई की ट्रैफिक समस्या काफ़ी हल हो जाएगी और ट्रैवलिंग टाइम में काफ़ी बचत होगा। मुंबई कोस्टल रोड को वर्ली शिवडी कनेक्टर द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जाएगा, जिसके चलते नवी मुंबई से आने वाले लोग भी डायरेक्ट कोस्टल रोड जा सकेंगे और कोस्टल रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो दोस्तों हमने देखा मुंबई में बन रहे कोस्टल रोड के बारे में, फेज़ वन फेज़ टू, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक के बारे में और भारत में बनने वाले सबसे बड़े समुद्री पुल वर्सोवा विरार सी लिंक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।